हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, कि प्रकाश की डबल नेचर क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद होगा कि इससे जब पहले वाला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर देख रहे थे, तब आपने एक चीज पता की थी कि आपके पास में कोई भी प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से जो भी हमारे पास में प्रकाश आ रहा है, वह प्रकाश किसके रूप में आ रहा है? तरंग के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? तरंग के रूप में आ रहा है। इसके पश्चात आपने इसी चैप्टर में अभी आपने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने क्या किया था, यानी किसी प्रकाश को यानी लाइट को यदि आपने धातु की सतह पे आपतित करवाया था तो फोटॉन्स के रूप में करवाया था। किसके रूप में करवाया था? फोटॉन्स के रूप में, यानी कि आपने प्रकाश को कण कण के स्वरूप माना था और कण के रूप में आपने आपतित करवाया था। यहां से क्या उत्सर्जित हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, ऐसी आपकी अवधारणा थी। ठीक है, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक हो गया है। ठीक है, तो आपके सामने इसके दो आंसर हैं, तरंग प्रकृति है या फिर कण प्रकृति है। अब दोनों में से आपको आंसर का पता नहीं चल रहा होगा कि इसको प्रकाश को हम कण माने या तरंग माने। ठीक है, बट हमारी जो द्वैत प्रकृति क्या बोलती है आपको, ये यही बोलती है कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग और कण दोनों के रूप में है, यानी कि इसकी क्या है? ड्यूल नेचर है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है? ड्यूल नेचर है। यह आपका जो मॉडर्न सिद्धांत कह रहा है, क्या है? मॉडर्न सिद्धांत है, यानी आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, कण कण और तरंग दोनों के रूप में प्रकाश विद्यमान है। अब यहां पर हम इस बात का जिक्र करेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आपने सबसे पहले आपने देखा था कि इससे पीछे वाले चैप्टर में आपने देखा था कि वेव ऑप्टिक्स में आपने ये पढ़ा था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर हम परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या हम तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। यानी कि ये जितनी भी घटनाएं हैं तो प्रकाश को इनमें हम क्या मानते हैं? तरंग मानते हैं, और तरंग मानकर हम इनकी व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें यदि हम प्रकाश को तरंग के रूप में आपतित करवाएं या तरंग मान लिए, तो तरंग मान लेने पर उनके द्वारा हम उन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकते। तब हमें प्रकाश को क्या करना पड़ता है? उसकी कण प्रकृति या उसकी फोटोन, इसको फोटोन भी बोल सकते हैं, फोटोन प्रकृति को ही मानना पड़ेगा। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव इत्यादि जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं की व्याख्या हम प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते। तो कौन सी प्रकृति के आधार पर करेंगे? कण प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो अब हमें एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है? द्वैत प्रकृति है। प्रकाश की जो है नेचर हो क्या है? द्वैत प्रकृति है। यानी यहां पर एक चीज आपको और मैं समझा देता हूं। एक होता है द्रव्य, यानी कि कण मान लें या इसको मैटर मान लें, और एक होता है आपका रेडिएशन, जिसको आप तरंग मान रहे हो या वेव्स मान रहे हो। ठीक है, तो मैटर के पास में क्या क्या क्वालिटी होती है? मैटर के पास में क्या क्या क्वालिटी होती है? मैटर के पास में द्रव्यमान होता है। ठीक है, रेडिएशन के पास में द्रव्यमान नहीं होता है। मैटर के पास में क्या होता है? इसका मोमेंटम होता है, यानी कि उसका क्या होता है? संवेग होता है। और रेडिएशन के पास में क्या नहीं होता? ये संवेग नहीं होता है। तो इसके पास में क्या होता है? इसके पास में वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? वेव्स होती हैं, जिनका क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, यानी लैम्डा होता है इनके पास में। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, वेव्स होती हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया कि जो मैटर है उनके पास में उनका द्रव्यमान होता है, उनमें मोमेंटम होता है, रेडिएशन है, जैसे कि आपके एक्सरे हैं, गामा रे हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो वेव फॉर्म में चलती हैं, उनके उनके पास में क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता दिमाग में उत्पन्न हो रहा होगा कि जो मैटर है उनके पास में ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, और जो रेडिएशन है उनके पास में ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है तो स्वाभाविक क्या है? वो गलत है। ठीक है, क्या है? ये गलत है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके मैटर हैं उनके पास में ये वाले हैं, और जो रेडिएशन है उनके पास में भी ये वाले गुण क्वालिटीज होती हैं कुछ परिस्थितियों में।
कुछ परिस्थितियों में। ठीक है, हमने सोचा कि अपना जो ये ब्रह्मांड है किससे बना हुआ है, किस सिंगल चीज से बना हुआ है, यानी कि हम फिजिक्स का लगातार क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब है फिजिक्स को हम छोटे से छोटा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहले 1100 में 1200 में जो आविष्कार हुए थे, फिर 1600 1700 1800 में न्यूटन आइंस्टाइन के टाइम में जो आविष्कार हुए थे, अब उन सब आविष्कारों को हम क्या करें, धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम प्रकृति में मूल बलों के बारे में बात करें तो मूल बल हमने कितने मान लिए, 4 मान लिए। यानी पहले यदि जितने भी प्रकार के बल हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके हमने उनका सिंप्लीफिकेशन किया, उनकी कैटेगरी में डिवाइड करके उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब उससे ज्यादा हम और उनको सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने का एक जरिया है। ठीक है, जितना हम किसी भी चीज का, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जितना ज्यादा हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वह चीज उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टेड होती है और उतनी ही ज्यादा रुचिकर होती है। ठीक है, तो वैसे ही अपने फिजिक्स में सिंप्लीफिकेशन का कार्य लगातार से चल रहा है। ठीक है, शुरू में ऐसे मान लिया कि अपनी जो प्रकृति है, अपने जो ब्रह्मांड है, वह बहुत सारे, मतलब कि इस बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके हमने मान लिया कि अपने जो ब्रह्मांड है वो ओनली एक ही, किसी एक ही चीज से बनी हुई है। ठीक है, और उस चीज की जो क्वालिटी है वो क्या है, यदि उस चीज को मैंने इधर से देखा तो वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, मान लेते हैं कि कण की तरह, और इधर से यदि मैंने उसको पलट कर देख लिया तो वह किसकी तरह व्यवहार कर रही है, रेडिएशन की तरह। ठीक है, तो कहने का मतलब चीज तो एक ही है, बट जो पहले वाले जो, मतलब कि हम मान रहे थे कि प्रकाश की प्रकृति तरंग होती है, तो मतलब कि ये जो अपना है, जो कोई भी चीज है उसको हम ओनली इसको इस तरीके से देख रहे थे। बाद में जो वैज्ञानिक आए वो इधर से नहीं देख रहे थे, उसको पलट कर इधर से देख रहे थे, तो उनको इधर वाली चीजें नहीं दिखी, तो उन्होंने मान लिया कि ये जो प्रकाश है वेव फॉर्म में है। ठीक है, उससे पहले वाले उन्होंने मान लिया कि कण प्रकृति में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक ही चीज के दो फैलू थे, बट दोनों फैलू एक साथ, यानी एक साथ काम में नहीं आए। ठीक है, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग है, कुछ ने माना है कि प्रकाश की प्रकृति वो कण है। बट एटलीस्ट जब फाइनल जो रिजल्ट आया, जब फिजिक्स का सिंप्लीफिकेशन किया, तब जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या था, वो ये था कि ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यदि इधर से देखें तो हमें वेव दिखाई दे रहा है, और इधर से देखें तो हमें कण या मैटर या फोटोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपना जो पूरा ब्रह्मांड है बस वह एक चीज से बना हुआ है। ठीक है, किन से, मैटर से और रेडिएशन से, मैटर और रेडिएशन से। ठीक है, इन सब से मिलकर बना हुआ है, और ये दोनों क्या है, ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात अब यहां तक आ गई है कि अपने जो प्रकाश की प्रकृति है वो क्या है, द्वैत प्रकृति है, पर यानी प्रकाश की कण प्रकृति भी है और प्रकाश की तरंग प्रकृति भी है। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं लिखना है कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कण और तरंग दोनों ही रूप में है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि प्रकाश की जो कुछ घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव इत्यादि घटनाओं की व्याख्या हम प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर हम ओनली परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी यदि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या करें तो हमें प्रकाश को तरंग न मानकर क्या मानना पड़ेगा, प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से, और इसके जो आगे वाला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसके आगे वाला जो वीडियो है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के बारे में, ठीक है, डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं है, बस प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब आपको तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है प्रकाश। सिंपल भाषा में देखें, अपने लोकल भाषा में देखें तो इसका मतलब यही है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।